आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले घर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज लखीसराय में तिरंगा यात्रा उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राष्ट्रवादी संगठन का इसमें सहयोग प्राप्त है, उनकी सहभागिता भी है। इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद का एक लहर पैदा हो, राष्ट्रवाद का जो वेव है वो भारत में कम नहीं पड़ना चाहिए। ये यात्रा वैसे विचारधारा को चुनौती देगी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह का नारा भारत की धरती पर लगाते हैं, वैसे देश विरोधी तत्वों को हम इस विचारधारा के आधार पर इस भारत की धरती में ही दफन करने का उद्देश्य लेकर चले हैं। लोगों से क्या अपील करना है? लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपील है 13 से 15 तक कोई छत छूटे नहीं, सभी छत पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगे और लोग अपने इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। यह दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, उससे भी एक दिन का पहले का 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस हमारा कल है, जो लखीसराय शहीद द्वार पर 4 बजे मनाया जाएगा। जो हम इस बंटवारा में क्या खोए हैं इसका भी हम स्मरण करेंगे और संकल्प लेंगे कि जो हमारा भारत माता का टुकड़ा हुआ है उस टुकड़ा को हम कैसे एकीकृत कर अखंड भारत के तरफ हम बढ़ेंगे, इसकी बुनियाद हम रखने जा रहे हैं। यही विभाजन विभीषिका दिवस का भी उद्देश्य है। राष्ट्र के हित में जितने काम होंगे नरेंद्र मोदी की सरकार में वो करी जा रही है और आगे भी करेंगे। ये जो देश विरोधी तत्व हैं इसी से पराजित होंगे।